वैसे तो मानसून में हमने बहुत अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर किया, बहुत ही अच्छे अच्छे वाटरफॉल्स को एक्सप्लोर किया, लेकिन जैसे ही मानसून बीतता है, विंटर आ चुका था, तो हमने सोचा क्यों ना ऐसी कहीं जगह जाया जाए जो दिल को सुकून दे, तो बस निकल पड़े हम। और अरे बस करो मेरे सेठ। ओ सेठ, लग चुकी है सेठ। क्या बोलना सेठ, कैमरा चालू सेठ। अरे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। यो यो विंटर रैपर पागल आदमी आपकी चीज भी हमें बोला, प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। देखो मेरा कुछ खास मूड तो नहीं था इस ब्लॉग को एडिट करने का, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान एक बार अपने कैमरास की मेमोरीज इकट्ठा कर लेना तो वो उसकी लाइफ के लिए बहुत है। और अंकित भाई कैसे हो? ठीक ठीक। नमित भाई कैसे हो? हाय। अरे कैसे भाई? सुशील ड्राइवर है क्या? आवाज वो ड्राइवर बना है? नहीं नहीं बाजू बेटा है। बात ऐसी है कि हमें लेना था एक छोटा सा ब्रेक, तो हम वहीं पे एक रेस्टोरेंट था जो कि काफ़ी लाजवाब था, वहाँ से हम लंच करने के बाद सीधा मालसेज घाट के लिए निकल गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस फील था। घाट से एक्सपीरियंस काफ़ी उम्दा था, जो कि आगे आप देख ही लोगे। वहाँ से एक्सप्लोर करने के बाद हम यहाँ पे आ चुके हैं जिसका नाम है अम्ब्रेला पॉइंट, और यहाँ से भी काफ़ी कुछ व्यू अच्छा सा है। मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट बना रखे हैं और उसके अलग अलग नाम दिए जो कि अलग अलग व्यू दिखता है। और लेकिन जो मज़ा बारिश में यहाँ पे आने का ना, वो सही में यार यही बोल रहा था। सही में यार, ना बारिश में ना, और यहाँ पे ठीक है अभी भी, लेकिन आप देखेंगे ना वहाँ पे मुंबई में बहुत गर्मी हो रही है, और अभी हम लोग जैसे आए ना यहाँ पे एकदम ठंडा सा बोलते हैं ना, पूरा ठंडी फील हो रही है, ठंडा क्लाइमेट पूरा चेंज है यहाँ पे। 26-27 तो होगा ही होगा, और रात को कि आराम से और कम हो जाएगा, रात को निकलेंगे तो और कम हो जाएगा। पूरा घाट है ना क्योंकि, तो वैसे आप घाट बहुत सारा मतलब देख सकते हो कि इतना घाट है, और यहाँ पे मतलब जो व्यू है अनएक्सपेक्टेड, टोटली अनएक्सपेक्टेड। और यहाँ पे भाई लोग की फोटोग्राफी चल रही है भाई, ऐसा एक मैं बता रहा तो अभी मैं यहाँ पे जब नीचे उतर के आया तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे गंदगी बहुत है यार। मतलब क्या चाहते क्या हो यार, इतनी अच्छी चीज़ है, इतना अच्छा नेचर है, तो उसको थोड़ा साफ़ रखने का भी मतलब वो रखो ना यार। तो कहीं भी जा रहे हो तो गंदगी मत करो यार प्लीज़। और डस्टबिन है यार आजू बाजू, मैंने देखा भी, तो उसमें डालो यार कचरा, पूरा देख सकते हो पूरा मतलब यहाँ पे खा खा के फेंका हुआ है,
सो अभी हम लोग चलते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा निकलने में, और बस यही सब चीज़ें हैं जो कि मैं आपको अंदर बैठ के बताता हूँ। चलिए चलते हैं। अब वहाँ से हम यहाँ आ चुके हैं और इस लेक का नाम है पिंपल गांव जोगा, जो कि काफ़ी अपने आप में ही बहुत अमेजिंग चीज़ है। सुशील तेरे को कैसा लगा यार, सही में बताना यार। सुपर, अब यहाँ पे बैठ के और यहाँ पे बैठ के जो चील कर रहे हैं ना हम लोग देख रहे हैं, मतलब और आजू बाजू अनएक्सपेक्टेड है पूरा, मतलब ये टोटली मतलब मैंने बोला था ना व्लॉग में बैठ के आराम से बात करूँगा, तो अभी बस वो भी काम हो गया यार। नावेद भाई गाड़ी में वो बैठा है भाई, वो अपने ऑफिस का काम कर रहा है, तो काफ़ी कुछ है देखने के लिए यहाँ पे यार, क्या चीज़ है मतलब। तो गाइस अभी टाइम कुछ हो गया है, 6 बज गया है और हमको यहाँ से बस अब निकलना है। बहुत ही अमेजिंग डे था, 4 पॉइंट एक्सप्लोर किया जो कि टोटल अंडररेटेड थे, जो कि बहुत ही अमेजिंग थे चारों पॉइंट। और अभी देख रहे हो हम लोग ये जो कि बोटिंग पॉइंट है, जो कि यहाँ पे पूरा बोटिंग होता है, पूरा मतलब बोट से आपको राइड कराएंगे। तो बस हम लोग अब घर के लिए निकलते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, पूरा डे इन्जॉय किया। मालसेज घाट की अलग ही ब्यूटी थी जो कि आज देखने मिली, लेकिन इसकी ब्यूटी और बढ़ जाती जब मॉनसून आता है। फ़िलहाल तो अभी मॉनसून गया लेकिन हम आ नहीं पाए, हमने प्लान बहुत पहले किया था। तो आई होप आपको ये व्लॉग कहीं से भी अच्छा लगा हो तो कर देना वीडियो को लाइक, चैनल को बिना झिझक सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो चलते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी एक वीडियो में, और बस मिलते रहेंगे, तब तक सब्सक्राइब कर लिया करो यार। चलो तो सुशील अगली बार कब आएगा? अगली बार देखते हैं, जब मौका मिलेगा तब आएंगे, ऐसी वादियों में घूमेंगे फिर से एक नए ब्लॉग और नए सीरीज के साथ। तो आप घर पे जाते हैं? काफ़ी ज़्यादा हो गया, बहुत लेट हो गया 6 बजे ऑलरेडी। और अरे बस करो मेरे सेठ। ओ सेठ, लग चुकी है सेठ, क्या बोलना है सेठ, कैमरा चालू सेठ। अरे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। यो बंटर रैपर पागल आदमी आखिर जिस वे में बोला प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। तो चलते